नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 12 विषय गुजराती मां प्रकरण नंबर 6 ऋषिनु मागनाराओ विषय आपणे आज अभ्यास करीशुं। मित्रों, ऋषिनु मागनाराओ समाजनी अंदर आड़ोस पड़ोस में ठेर ठेर जोवा मळे छे। तेना विषे लेखकना जीवननी अंदर बनेली बे त्रण घटनाओनु वर्णन पोताना अनुपम हास्य द्वारा आपणने समझावे छे के ऋषिनु मागनारा लोकोनी खासियतो एमनो स्वभाव केवो होय छे तेनु वर्णन आ हास्य निबंधमां कर्युं छे। तो मित्रों जोईए, ऋषिनु मागनाराओ जेना कवि लेखक अने हास्यकार एवा नटवरलाल प्रभुलाल बुच, जेमनो जन्म गोंडल में थयेलो, टूंक में उत्तर पूछाय ते प्रमाणेना अहीं प्रश्नोनी समझूती तमने आपवानो प्रयत्न कर्यो छे। तो ऋषिनु मागनाराओनो साहित्य प्रकार जणावो अथवा तो साहित्य स्वरूप तो हास्य निबंध नटवरलाल प्रभुलाल बुचना पुस्तकोना नाम अथवा तो कोई एकाद पुस्तकनु नाम आप्युं होय अने आ कोनुं पुस्तक छे तो पुस्तकोना नाम जोईए, राम रोटी पहली, राम रोटी बीजी उर्फे बनावटी फूलो, राम रोटी त्रीजी, सेलवेल्लु, हलवा फूल, कागळना केसुडा वगैरे जेवा तेमना हास्यना जाणीता पुस्तको छे। लेखक ने दर्शक एवोर्ड थी सम्मानित पण करवामां आवेला छे। साथे साथे गुजराती साहित्य परिषदनु हास्य पारितोषिक पण एनायत थयेलू छे। तेमने आ ऋषिनु मागनाराओ हास्य निबंधमां लेखके ऋषिनु मागनारा लोकोनी जे वृत्ति छे तेना उपर एक नजर करी छे के ऋषिनु मागनाराओनी दृष्टता निर्लज्जता अने बेदरकारी जेवी मानसिक वृत्ति पर लेखके कटाक्ष कर्यो छे। साथे साथे ऋषिनु मागनाराओनी अंदर कया प्रकारनो गुण नथी होतो तेनु पण वर्णन कर्युं छे के ऋषिनु मागनारमां कई वस्तु मगाय के न मगाय तेनो विवेकनो गुण जे होवो जोईए ते नथी होतो। अने छेल्ले ऋषिनु मागनारनी नजर केवी होय छे? तो मित्रों, ऋषिनु मागनारनी नजर गीध जेवी होय छे। आम ऋषिनु मागनार हास्य निबंधमां नटवरलाल प्रभुलाल बुच्चे मनुष्य जीवननी जे सूक्ष्म कही शकाय तेवी वृत्ति सूक्ष्म कही शकाय तेवी बारीकाईथी मनुष्य जीवननो अभ्यास करी अने मानव स्वभावनी जे लाक्षणिकताओ छे तेना उपर अहीं कटाक्ष कर्यो छे। હવે પછી આપણે તેના વિષય વસ્તુ પર જોઈશું।